बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल स्पाइसी वे किचन। आज मैंने चिकन टिक्का कढ़ाई बनाई है, आप इसे ट्राई जरूर करें। बहुत टेस्टी, बहुत मजेदार बनी है, बिल्कुल डिफरेंट है। आपने बहुत सी कढ़ाइयां खाई होंगी, लेकिन ये बिल्कुल आपको इसका टेस्ट बिल्कुल डिफरेंट लगेगा और इसमें बहुत कम इन्ग्रीडियंट्स भी हैं। होपफुली आपको पसंद आएगी। अगर रेसिपी पसंद आए तो लाइक शेयर जरूर कीजिएगा और मेरे यूट्यूब चैनल स्पाइसी वे किचन को लाइक शेयर और सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। तो चलिए रेसिपी को देखते हैं कि ये कितने ईजी तरीके से मैंने इसको तैयार किया है। चिकन टिक्का कढ़ाई बनाने के लिए जो चीज़ें मुझे दरकार है, मैंने ये बोनलेस लिया है, ये आधा किलो के करीब है, जिसे मैंने इतने पीसेस में काट लिया है। 2 टेबलस्पून बेसन है, 2 टेबलस्पून सूजी है जिसे सेमोलिना भी कहते हैं, 2 टेबलस्पून लेमन जूस है, 2 टीस्पून कुटी हुई लाल मिर्च है, 1.5 टीस्पून जो है नमक है। इसको आप कम या ज़्यादा भी कर सकते हैं, अगर आप तीखा खाते हैं तो मिर्चों को तेज़ कर सकते हैं। 2 टीस्पून इसमें मैंने सूखा धनिया लिया है पिसा हुआ, 2 टीस्पून सफ़ेद जीरा है पिसा हुआ, 1/2 टीस्पून काली मिर्च है और 1 टीस्पून कसूरी मेथी है। और इसमें मैं थोड़ा सा कलर डालूंगी, ये ऑप्शनल है, अगर आप डालना चाहते हैं तो आप डाल दीजिए। और इसमें 2 टीस्पून अदरक और लहसुन की पेस्ट है, यानी कि अदरक की भी 2 टीस्पून है और लहसुन भी 2 टीस्पून है। सबसे पहले हम इसके अंदर इसकी मैरिनेशन के लिए सबसे पहले हम एक अंडा डाल देंगे। अब अंडे को हमने फेंटना है अच्छी तरह। इसके साथ ही हम ये अदरक और लहसुन की पेस्ट, ये सारे जो मसाले मैंने आपको बताए हैं, ये सारे इसकी मैरिनेशन में हम साथ ही डाल देंगे। और इसमें आपको एक खास चीज बताऊं कि इसमें मैंने दही का इस्तेमाल नहीं किया है। और इन सारी चीज़ों को जो मिक्स करेगा वो ये लेमन जूस है, लेमन जूस से ये पेस्ट बन जाएगी। तो इसको हम अच्छी सी पेस्ट बना लेते हैं। अब ये जो कलर है, जो मैंने आपसे कहा है कि ऑप्शनल है, अगर आप डालना चाहते हैं तो अब इसके अंदर, इसमें रेड भी इस्तेमाल कर सकते हैं, मैं थोड़ा सा इसके अंदर येलो कलर डालूंगी। ये देखिए, ये सारा ये गाढ़ा सा मिक्सचर जो है वो रेडी हो गया। अब इसके अंदर हम ये चिकन को डाल देंगे और इसको हम अच्छी तरह से मिक्स कर देते हैं। अब इसको मैंने अच्छी तरह से मिक्स कर लिया है। अगर आपके पास ये क्लिंग नहीं है, अगर आपके पास ये नहीं है तो आप इसको प्लेट के साथ भी ढांक के, तो बेस्ट मैरिनेशन टाइम जो होता है वो 3 से 4 घंटे होता है। तो मैं इसको 3 से 4 घंटे के लिए रखती हूँ, इसको मैरिनेट हमने कर दिया। फिर जैसे ही 4 आवर गुजरते हैं फिर हम इसको तैयार करते हैं। 3 आवर्स गुजर गई हैं तो इसको अब हमने, जो मैंने इसको मैरिनेट करके रखा हुआ था, अगर आपने बेस्टेस्ट रिजल्ट लेने हैं तो आप इसको ओवरनाइट भी रख सकते हैं। तो अब ये मैंने आधा कप ऑयल है इसको हमने गरम कर लिया हुआ है, तो ये मैं अब इसके अंदर चिकन जो है वो डालना शुरू कर देती हूँ। ये अभी आपको गरम लग रहा होगा ऑयल, लेकिन जैसे ही मैं इसके अंदर सारा चिकन डालूंगी तो इसका टेम्परेचर डाउन हो जाएगा। आंच को मैंने मीडियम कर दिया है और इसको मैं 15 मिनट के लिए ढांप के रख देती हूँ, क्योंकि ये चिकन है, अभी इसका पानी भी निकलेगा। तो हमने इसको बहुत ज़्यादा इसका पानी नहीं निकलने देना, वरना ये ग्रेवी सालन की तरह बन जाएगा। तो बस इसको हम 15 मिनट रखते हैं ताकि ये बोनलेस जो है वो अंदर तक गल जाए अच्छे तरीके से। 15 मिनट गुजर गए हैं, इसको मैंने मीडियम आँच पर रखा था। देखें, चिकन का पानी इतना ज़्यादा नहीं निकला, लेकिन चिकन जो है वो गल चुका है, ये देखें। अब हमने इसको थोड़ा सा भूनना है ताकि ये जो आपको मसाला नज़र आ रहा है ये बिल्कुल जो है वो मज़ीद ड्राई हो जाए। पानी इसमें नहीं है तो ये इसी ऑयल में इसको हम थोड़ा सा गोल्डन कलर कर लेते हैं। ये देखिए, मैंने इसको भून लिया है, ये देखिए बिल्कुल तैयार हो गया। अब हम इसको डिश में निकाल लेते हैं। आप इसको ज़रूर ट्राई कीजिएगा, ये बहुत टेस्टी बनता है। इसमें देखिए मैंने दही का इस्तेमाल नहीं किया है और झटपट बन गया है। सिर्फ मैरिनेशन में थोड़ा सा टाइम लगता है। तो आप इसको बनाइएगा, मुझे कमेंट बॉक्स में बताइएगा कि आपको ये रेसिपी कैसी लगी है। ये ले फ्रेंड्स, मैंने इसको प्लेट में सर्व कर दिया है। आप इसको ज़रूर ट्राई कीजिएगा और मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा कि आपको ये रेसिपी कैसी लगी है। बहुत मज़ेदार सी चिकन टिक्का कढ़ाई हमारी बिल्कुल रेडी है और झटपट से रेडी हो गई है। मैरिनेशन में थोड़ा सा टाइम लगा है,
तो आप इसको तैयार जरूर कीजिएगा और मेरे चैनल को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। वीडियो पसंद आए तो इसे लाइक एंड शेयर जरूर कीजिएगा। नेक्स्ट वीडियो तक अल्लाह हाफिज।